सितंबर के पहले दिन की शुरुआत दिल्ली के बड़े हिस्से में रिकॉर्ड 24 घंटे बारिश के साथ हुई है। वहीं दिल्ली नोएडा समेत पूरे NCR में आज भी जोरदार बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक दिल्ली में बारिश की स्थिति अगले 3-4 दिनों तक बनी रहेगी और जहां दिल्ली में मध्यम बारिश का आसार है तो वहीं 2 और 3 सितंबर को हल्की बारिश का अनुमान है। वहीं तेज बारिश की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव भी हो गया है, जिसकी वजह से यातायात में काफी दिक्कत हो रही है। सोशल मीडिया पर आज दिल्ली का एक बारिश का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक फ्लाईओवर से किसी झरने की तरह पानी गिरता नजर आ रहा है। बता दें कि मंगलवार को दिल्ली NCR में जोरदार बारिश हुई है और कई इलाकों में जलभराव की खबरें हैं। मगर जैसा नजारा इस वीडियो में दिख रहा है वह बेहद हैरान करने वाला है और दिल्ली के कई नेताओं ने यह वीडियो शेयर कर आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा है। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए कोबरा पोस्ट हिंदी को सब्सक्राइब करें और अलर्ट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। और हाँ दोस्तों, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।